Hello guys, welcome to Lockdown Tech Study YouTube channel. So today is the topic of octal fraction to decimal. So octal जिधे fraction numbers होंदे आ, उन्हें ना अपन decimal चे किस तरह convert कर दिया, दिख दिया. So सबसे पहला अपन इड़ा आया, a value तो same पते गया था क्योंकि octal to decimal जिस तरह अपन convert करी दिया, simple. So इन्हों सबसे पहला अपन इन्हीं solve कर लेने आ. So सबसे पहला four multiply by 8 power 0 हो गया plus 1 multiply by 8 raised to power 1 हो गया. So इसी तरह हम जेड़ा अपना point वाली values है इन्हें solve करना. So इधर बच किया सबसे पहला अपने को 4 आ हम देखो इधर बच क्यों होता है या x y point जिधर अपना graph होता है इधर 0 होता है उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह जाना रहा. इसी तरह इधर हो क्यों होता minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 इस तरह जाना रहा इस तरह solve होता है. So इधर बच क्यों हो जाएगा हमारा point तो बाद में value जड़ी हम इधर power जड़ी है वो अपने base थी octal दे base थी minus 1 हो जाएगी. So 4 multiply by 8 raised to power minus 1 और plus add करके उसके बाद 8 अपना 8 multiply by 8 raised to power minus 2. So इतने पर minus 2 लिख लिया. ये जड़ा इस तरह हम आपका नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे. 8 मल्टीप्लाई 1 8 हो गया प्लस 8 रेज टू पावर 0 हुआ. सो इधर मतलब की हो गया 1 1 को मल्टीप्लाई कितना 4 देना है मींस कितना हो गया 4. सो इतने आपको पॉइंट ऐड कर लेने हैं. सो नेक्स्ट है क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर माइनस 1 मींस कि यह 1 ओवर 8 आवेगा. सो नेक्स्ट अपने को 8 रेज टू पावर 8 multiply by 8 raised to power minus 2 इधर means 8 the power 2 आ मतलब कि 8 दो बार ओपन होगा. सो इसी तरह अपन इसको सॉल्व कर लेने हैं. 8 4 हो गया अपने को 12. सो इतने अपन पॉइंट ऐड कर लेने हैं. सो इसमें सॉल्व कर लेंगे 4 2 9 8 कट देने हैं थे 1 ओवर 2 रह गया. सो प्लस ऐड कितना 1 8 8 थे कटेगा 1 ओवर 8 रह गया. सो इसमें हम अपन सॉल्व कर लेंगे. हम देखो इतने 12 आ और 1 ओवर 2 को जब अपन डिवाइड करेगा तो आंसर कितना होता है 0.0 पंचतुणी 10. सो इतने की आंसर आ गया 0.5. सो इसी तरह 1 ओवर 8 को भी फाइंड आउट कर लेंगे. 0 मल्टीप्लाई 0. सो इतने एक हो गया 8 एकम 8 2 और इतने एक और 0 लिया अपन 8 दूनी 16 हो गए 4 बचे उसके बाद 0 8 पंजा 40 हो गया. सो आंसर 0 हो गया थे 0.125 जेड़ा अपना इतने आंसर आया था. हां सो हुन आपा जेड़ा है इन्हें दोनों नु प्लस करेंगे. सो देख दिया कि इन्हें दोनों नु प्लस किस तरह करना. देखो 0.5 आ सबसे पहला इस नु आपा लिखया उसके बाद 0.125 आ. हम देखो पॉइंट जेड़ा हुंदा हमेशा वो उत्ते ही लिखीदा जित्ते पॉइंट हुंदा आ. सो पॉइंट नु पॉइंट दे नीचे बाकी वैल्यू जेड़ी आ वो इधर नु जावेगी. सो इन्हें नु प्लस कर देने हैं 0 5 6 हो गया 25 हो गया. सो इस तरह जेड़ा ही अपना सॉल्व हो गया 0.625 इधर आंसर आया. सो इन्हें लिख लेने 0.625 और इट मींस ये आंसर कितना हो जाना आएगा 12 आई थी आ जाएगा 12.625 आपका जेड़ा इधर डेसिमल फाइंड आउट किया. सो इस तरह जेड़ा है ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल आपा फाइंड आउट कर दिया. सो ये हुंदा है अपना ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल. सो मिलते हैं आपा नेक्स्ट वीडियो दे विच. थैंक यू सो मच.